दोस्तों ये हम जगदलपुर से रायपुर की तरफ कांकेर सिटी में हम चल रहे हैं और यहाँ आपको रहने के लिए कांकेर सिटी में काफ़ी सारे होटल्स जैसे बाफला लॉन है, ग्रीन पाम होटल, लेक व्यू होटल और ये हम बस स्टैंड के एरिया से निकल रहे हैं और बस स्टैंड के एरिया में एक जमजम बिरयानी करके दुकान है और उसके अंदर आपको बहुत ही टेस्टी बिरयानी, नॉन वेज के अगर आप शौकीन हैं चिकन मटन, आपको बहुत ही अच्छी बिरयानी और ये बिल्कुल बस स्टैंड से जहाँ गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं उसके सामने ही अंदर एक रोड जा रही है, ये उस रोड पर हम लोग अंदर हो गए हैं। यहाँ ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी के पास से हम राइट हो गए और राइट होते ही आपको पानी की टंकी के पास से ही लेफ्ट, यहाँ लिखा है गड़िया पहाड़ जाने का मार्ग, गड़िया पहाड़ जाने का मार्ग, ये एंट्रेंस है यहाँ की। दोस्तों अभी मैं गडरिया पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर आ चुका हूँ, यहाँ ये पार्किंग है चारों तरफ और इस पार्किंग से हम चलकर जा रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ। ये जॉली ने कुछ प्रसाद भी लिया है चढ़ाने के लिए। अब हम टेंपल में जा रहे हैं और टेंपल का जाने का ये पत्थरों के बीच पैदल थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, पैदल का रास्ता है ये और ये पहाड़ियों में चट्टानें पुरानी और उधर से हम चलते हुए ये देखिए ये हम जा रहे हैं। ये कांकेर के राजा जो जिनका धर्मदेव नाम था उनकी दो बेटियां थीं, एक का नाम सोनई एक का नाम रुपई, तो उनकी बेटियों के नाम पर ये तालाब रखा गया है, सोनई रुपई इस तालाब का नाम है जो कि कभी भी नहीं सूखता है, चाहे गर्मी हो ठंड हो ये पानी ऐसे ही रहता है। और आज भी कहते हैं, पूर्वजों का कहना ये है कि जब उनकी मृत्यु के बाद अभी भी वो यहाँ पे उनकी आत्मा जो है यहाँ पानी पीने आती है सोनई रुपई। छत को देखने पर अनेक छुरीनुमा पत्थर लटकते दिखाई देते हैं
गुफा से निकलने के रास्ते हैं जो भंडारी पारा तथागढ़ पिछवाड़ी की ओर निकलते हैं। गुफा के हॉल में लगभग 500 लोग बैठ सकते हैं। ये यहाँ से गुफा गई है। जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अंधेरे में अंधेरा रहेगा दोस्तों, ये गुफा में जा सकते हैं तो देखते हैं। बहुत सक्री गुफा है, अंदर बहुत संभल के उतरना पड़ेगा। यहाँ जॉली टॉर्च जला रहा है संजय भी। ये पकड़ लो, उतरने का रास्ता है, सकरा है। चलो देखते हैं। चलो चल, बहुत ही एक ही आदमी जा सकता है। आजा देखो दोस्तों, ये आगे रोशनी है ना। आजा आजा आजा, जॉली पकड़ता ये पढ़ाई उतरते हुए भी बना इधर का। ये बैग कर रहा है, ये देखो दोस्तों कैसे कैसे रास्ते से जाना पड़ता है। कोई ये पकड़ तो वही शरीर घसटाते हुए नीचे पैर। गलत उतरा चढ़ेंगे कैसे ये नहीं मालूम। यही ठीक है, ये आगे हम गुफा में बढ़ रहे हैं। ये दिखा था गुफा इधर से उतरते हुए, मेरे को भी दिखा जा रहा चाचा कैसे कैसे उतरता है, कहाँ जाता है। ये मेरे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि मैं उनके लिए उनको घुमाने कहाँ कहाँ और कैसी कैसी जगह पर जा रहा हूँ और कैसे कैसे रास्तों से उतरता हूँ। मैं इस अपनी इस उम्र में भी चाह रहा हूँ कि मैं इन यंग बच्चों के साथ यंग बना रहूँ और दर्शकों को भी मेरे व्यूअर्स को भी यंग रखूँ, ताकि वो ऐसे ऐसे एडवेंचर और गुफाओं में। ये देखो तो कितना गलत करते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता ऐसा क्यों करते हैं। ये पानी की खाली बोतलें, ये इधर से तो नहीं घुस पाएंगे, रास्ता बंद है, लेट के ये अंदर जाना पड़ेगा, कहीं और से रास्ता है। एक उधर है, एक उधर, ये पकड़ो ये। जॉली देख रहा है आगे, वही है वहीं से सो के जाना है, सो के नहीं घुस पाएंगे। ये दातेश घुस पाएंगे क्या अंदर है? ये रस्सी वस्सी चाहिए, वो नहीं लाए हुए ये दोस्तों, हम कोई रस्सा नहीं लाए हुए हैं, इसलिए वहाँ अंदर नहीं घुस पाएंगे। उतरना ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ चल के देखते हैं। बहुत है। और यहाँ तो बस हम यहीं तक आ पाएंगे, उसके लिए नीचे जाने के लिए कुछ साधन चाहिए। यहाँ से नहीं घुस पाएंगे, इधर से, इधर से आगे जाके वहाँ भी देखना पड़ेगा। चलो भाई, ये तो उसकी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, तब बात बनेगी, कभी ऐसे नहीं जा पाएंगे। बहुत ही टाइट और लेट लेट के कहीं से घुसना पड़ेगा। संजय बना, हाथ पकड़ो जी,
हाँ बिल्कुल, ये तो स्पोर्ट तो चाहिए ना, जगह टाइट है। ये देखो आप फंसे नहीं, नहीं वो अपने आप आ जाएंगे, खींचने की जरूरत नहीं है, पकड़ अपने आप आ जाएंगे। रस्से नहीं है उतरने के लिए, मैंने कोशिश करी लेकिन वो उसमें से लेट के ऐसे नीचे उतरना, जब तक कोई रस्सा नहीं पकड़ पाए तब तक उतरना मुश्किल है। इसके लिए इसे कभी फिर तैयारी के साथ आएंगे इधर। लाइट भी चाहिए आगे के लिए, क्योंकि आगे डार्क भी बहुत था और वैसे भी मैं उतरकर आपको कुछ नहीं दिखा पाता, तो हम उस तैयारी से नहीं आए इधर। बाकी आप पहाड़ का सौंदर्य देखिए, तालाब का सौंदर्य, एक ही अलग ही शिलाएं और ये बड़ी बड़ी चट्टानें एक अलग सा एहसास कराती हैं कि हम इतने बड़े बड़े पत्थरों के अंदर और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से हम लोग घूम रहे हैं, और एक तरफ पानी, तालाब और नेचर रिसोर्स, कोई पानी भरने का साधन नहीं है, पानी भरा रहता। दोस्तों ये हम आ चुके हैं, यहाँ एक पार्क सा बना हुआ है, देखिए कुछ यहाँ व्यू पॉइंट है, चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ, गढ़िया पहाड़ व्यू पॉइंट। बहुत ही सुंदर कांकेर सिटी का व्यू है यहाँ से, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों कांकेर सिटी का बहुत ही सुंदर व्यू, पूरा सिटी दूर तक नजर आता है यहाँ गढ़िया पहाड़ से, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए बहुत सुंदर, बीच में तालाब, जगह जगह तालाब बने हुए हैं। ये देखिए बेटा आप लोग, चाचा का बाइस्कोप पर है यूट्यूब चैनल। और यहाँ ये फांसी पॉइंट, आप आइए मैं आपको फांसी पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है लोगों को नीचे लटका दिया जाता था, ये जो शिला है हम खड़े हैं इस शिला से, और मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे स्लिपरी और ख़तरनाक है। ये यहाँ से लोगों को, ये फांसी पॉइंट है, और यहाँ से आप देखिए पूरा शहर नीचे से उनको फांसी पर झूलता देखा जा सकता था उस समय में। और दोस्तों अब ये हम आ गए हैं दुधावा डैम की तरफ, कांकेर से दुधावा तकरीबन 28 किलोमीटर ये कांकेर से पड़ता है। यहाँ मछली निकाली जाती है यहाँ पर, अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉस्टली प्रोजेक्ट है।
रेस्टोरेंट और बोटिंग की फैसिलिटी अभी चालू हुई है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लुधावा डैम दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ दुधावा डैम के। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ बन रहा है, यहाँ पर अभी नया आज ही अखबार में भी आया इनका, और दो हफ्ते में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो मैं इसको कैप्चर करने आया हूँ। ये दुधावा डैम है यहाँ पर, धमतरी डिस्ट्रिक्ट और फॉरेस्ट एरिया काकेर का पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब काम चल रहा है, यहाँ बहुत बढ़िया। वो बीच में रहेगा वो, हाँ अभी सेट नहीं हुआ पाया, वो बीच में रहेगा वो। चलो आप चलिए आइए देखते हैं यहाँ। मामा ये अभी इनका काम चल रहा है और जल्दी आपको ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सुंदर। और टिकट काउंटर है, हाँ उसके बाद है बच्चे लोग के लिए है, पे बोर्ड है। अच्छा यहाँ पे आप टिकट कटाओगे? जी जी जी। बोर्ड से जाओगे ये बीच में रहेंगे। अच्छा ये देखिए, मतलब कितना सुंदर एक पिकनिक स्पॉट और घूमने के लिए। ये देखिए कैसे ये इसको खींच के इधर ला रहे हैं, अभी ये सब सेट हो जाएगा यहाँ। सर बीच में जाएगा सर वहाँ पे? अच्छा वहाँ बीच में जाएगा, आइए सर। ये रेस्टोरेंट जो है डैम के बीच में चला जाएगा। चलिए हम इसके ऊपर चलकर देखते हैं। यहाँ जो है सर नाश्ता पानी सब कुछ चलेगा। ये रेस्टोरेंट मतलब आप बिल्कुल बीच में बैठ के आप यहाँ पानी के सेंटर में टी स्टॉल और खाने पीने का आपका पूरा अरेंजमेंट रहेगा। और ये इसमें मछली है सर, मछली फिश दाना डालेंगे तो निकलेंगे यहाँ, मतलब डैम का आपको मछली आपको यहाँ पे दिखेगी। उधर है सर वो, उधर वो मछली। अच्छा देखिए वहाँ मछलियाँ नजर आ रही हैं किनारे पर, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये मेरे को दाना दे रहे हैं, देखिए अभी दाना डालेंगे। तो ये देखिए ये मछली यहाँ पर आएंगी खाना खाने, इसको मुझे लगता है पेट भरा हुआ है मछलियों का अभी। अच्छा वो आवाज से आती है यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो इतने पब्लिक देख के भी थोड़ा सा मछली को लोगों को देख के लग रहा होगा। सर वो क्या है कहीं तो हरारत हो गया, लंबा हुआ तो उस कारण से नहीं निकल रहे। डरी डरी हुई है अभी अभी मछली जो है उनको पकड़ के यहाँ डाला है, थोड़ा डरी हुई है, जानवर है और इंसान से डरता ही है। नहीं नहीं हम लोग नहीं किसी चीज को नहीं छुएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे और ये आपको फ्लोटर एरिया जो है वो डैम के बीच में मिलेगा वहाँ कहीं, तो सेंटर में, और वहाँ आप अपना चाय पानी रेस्टोरेंट में खाना और एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य, अभी ये तैयार हो रहा है इसीलिए हम इसको देखने आए आज, अखबार में हमने पढ़ा था इसको। देखिए सब लोग यहाँ पर इसकी तैयारी में हैं। देखिए दुधावा डैम पर ये सब कर्मचारी जो हैं काम में लगे हुए हैं, और आपके लिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये सब तैयार करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी परियोजना यहाँ पर, बहुत सुंदर एक टूरिज्म को बढ़ावा देने का बहुत ही सुंदर उनका एक कहना चाहिए प्रयास। मुझे तो अभी देखने में इतना अच्छा लग रहा है, और ये सब तैयार होने के बाद यहाँ कैसा दिखेगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। आपको बोटिंग फैसिलिटी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फूड,
नेचर सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो आप फैमिली के साथ आकर इस यहाँ आना ना भूलें।